नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? कक्षा 3 विषय हिंदी। हिंदी में अगाव हमने पाठ नंबर में मोर, पाठ नंबर 20 मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी था उसके बारे में हमने अभ्यास किया। राष्ट्रीय पक्षी था, अब हम हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी भाषा इस कविता का अभ्यास करेंगे। तो आप भी अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए, इसमें पेज नंबर 45 और कविता देखिए। विद्यार्थी मित्रों, यह किसका चित्र है बताओ? कौन किसका है? भारत माता का। अब पहले हम इस कविता का गान करेंगे। देश दुलारी हिंदी भाषा हमको प्यारी, हिंदी भाषा पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। देश दुलारी हिंदी भाषा, देश दुलारी यानी वहली ओने प्रिय, देश की प्रिय भाषा है हिंदी भाषा। हमको भी यह प्यारी यानी प्रिय लगती है, देश को भी प्रिय लगती है, देश की यह प्रिय भाषा है, हमको भी यह भाषा प्रिय लगती है। पढ़ते हम सब बड़े चाव से, चाव यानी शौक और पढ़ना यानी बनू, इसको हम बड़े शौक से पढ़ते हैं, अपनाते हैं प्रेम भाव से, हम इसे कैसे प्रेम भाव से उसे अपनाते हैं। जन जन को है हिंदी भाती, जन जन यानी लोग को, भारत के सभी लोगों को हिंदी भाषा है वह भाती है यानी गमे छे, यह भारत को एक बनाती, यह भाषा भारत को एक बनाती है यानी भारत में एक बनावे छे। हम कहीं भी जाए तो उसमें हिंदी सभी को आती है, सभी लोग बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सब फूलों की खुशबू वाली, खुशबू वाली यानी सुगंधिराल, यह सब फूलों की यानी कि जो जितने भी फूल है उसकी सभी की सुगंध इस हिंदी भाषा में है। फुलवारी है हिंदी भाषा यानी कि जो फूलों की वाड़ी है, फूलों की वाड़ी छे एवी आ हिंदी भाषा छे। देश दुलारी हिंदी भाषा हमको प्यारी हिंदी भाषा, देश दुलारी यानी देश ने वहाली अथवा प्रिय छे हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा, हमने पण हिंदी भाषा प्यारी अथवा वहाली छे। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से यानी पढ़ते हैं एटले भणे छे बधा, चाव यानी खूब ज शौकथी बधा तेने भणे छे, अपनाते हैं प्रेम भाव से, बधा एने प्रेम भाव थी पोतानी करे छे, लोकोने पण हिंदी भाषा गमे छे, यह भारत को एक बनाती है यानी कि ए भारत ने एक बनावे छे, अने सबा बधा ज फूलोनी खुशबू ए भाषामां छे, अने फूलोनी वाड़ी छे ए हिंदी भाषा छे। हिंदी भाषा केवी छे तो फूलोनी वाड़ी जेवी सुगंधीदार छे, बराबर विद्यार्थी मित्रों? तो तमने आ कविता सौ प्रथम तमारी हिंदीनी नोटमां लखवानी रहेशे। हवे आगळ एनो स्वाध्याय जोईए। प्रश्न 1 है, नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखे, यानी वहाली या प्यारी प्रिय, वहाली या प्रिय, दुलारी यानी वहाली या प्रिय, हमको यानी हमने, पढ़ना यानी भणवू, चाव तो शोक, चाव तो शोक, फूलवारी तो फूलवाड़ी, फूलवाड़ी, यह
तो आ बरोबर, ये आपको पेंसिल से लिखना है। इसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की कैसी भाषा है? हिंदी देश की राष्ट्रीय प्रिय दुलारी भाषा है। हिंदी देश की दुलारी भाषा है। क्या आएगा? हिंदी देश की दुलारी। आपको पूरे वाक्य में लिखना है। लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सब बड़े चाव से। तो कैसे पढ़ते हैं? लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं। लोग हिंदी को चाव से पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो यह भारत को एक बनाती है, यानी हिंदी भाषा भारत को एक बनाने का काम करती है। हिंदी भारत को एक बनाने का हिंदी भारत को एक बनाने का काम करती है। हिंदी भारत को एक बनाने का काम करती है। बरोबर, तो आपको ऐसे लिखना है और पुस्तक में आपको पेंसिल से लिखना है। अस्तु।